नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की जो यूनिट नंबर 3 है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन और फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी इमल्शन है, हम उसे स्टेबल तभी बोलेंगे जब उसकी उसे हम प्रिपेयर कर देंगे, उसके कुछ टाइम बाद जब हम उसे स्टोर करेंगे तो वो सेम रहे, एज इट इज़ रहे, उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस ना हो। मतलब एन इमल्शन इज सेट टू बी स्टेबल इफ़ इट रिमेंस एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, दैट इज़ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। मतलब कि जो सॉलिड है, द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। द इमल्शन शुड बी केमिकली स्टेबल and there should not be any bacterial growth during its shelf life। उसमें कोई भी bacterial growth भी नहीं होनी चाहिए, और जो solid particles हैं और जो dispersed globules हैं वो uniformly distributed होने चाहिए dispersion medium में। ये नहीं कि वो ऊपर एक layer बना लें, अलग layer बना लें, उसे हम बोलेंगे cracking, या ऊपर आके settle down हो जाएं तो उसे creaming बोलेंगे, या साथ में इकट्ठे हो जाएं एक ही जगह तो हम उसे बोलेंगे फ्लॉक्स बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे कि ये केमिकली स्टेबल है। जो इमल्शन स्टेबिलिटी होती है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकती है, तो हम उसे डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन और फ्लॉक्यूलेशन। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रैकिंग। Cracking means the separation of two layers of dispersed and dispersion medium due to the coalescence of dispersed phase globules which are difficult to redisperse by shaking। Cracking में क्या होता है, जो dispersed phase होता है और जो dispersion medium होता है वो अलग अलग layer बना लेते हैं। जो solid particles हैं, जो globules हैं, वो ऊपर आके अलग layer बना लेते हैं और dispersion medium नीचे रहता है। और ये इसीलिए क्रैकिंग को हम जो उसे ओवरकम करना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम इसे रिडिस्पर्स करते हैं, जब शेक करते हैं हम अपने इमल्शन को, तो वो फिर से वापस वाली फॉर्म में नहीं आ पाते, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, वो वैसा ही रहता है। क्रैकिंग में अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला होता है बाय एडिंग ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप। मतलब हमने ओ बाई डब्ल्यू इमल्शन बनाया है और उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया हमने डब्ल्यू बाई ओ वाला, तो ऐसे में क्रैकिंग हो सकती है। नेक्स्ट है बाय डीकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, वो डीकम्पोज हो जाए या फिर प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाए। और बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट और बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाए। और चेंज इन टेम्परेचर, स्टोरेज के टाइम पे हमने टेम्परेचर सेम नहीं रखा है, उसे चेंज करते गए हैं, तो ऐसे में क्रैकिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रीमिंग। क्रीमिंग में भी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्शन। क्रीमिंग में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स बोल सकते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं और अलग लेयर तो नहीं बनाते पर ऊपर ही इकट्ठा हो जाते हैं वो अपवर्ड सरफेस पे। पर जो क्रीमिंग होती है वो टेम्परेरी होती है, और जब हम उसे इमल्शन को शेक करते हैं तो वो वापस से रिडिस्पर्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। क्रीमिंग इज़ टेम्परेरी फेज बिकॉज इट कैन बी रिडिस्पर्स्ड बाय माइल्ड शेकिंग और स्टिरिंग to get again a homogeneous emulsion। The factors affecting creaming are described by Stokes' law। Stokes' law होता है V equals to 2R square D1 minus D2 into G by 9 eta। V equals to rate of creaming, R है radius of globule जो particle size है solid particles का, D1 डेंसिटी डिस्पर्स्ड फेस की, D2 डेंसिटी डिस्पर्जन मीडियम की, और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ईटा है यहाँ पे विस्कोसिटी कांस्टेंट। ईटा है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लॉक्स बना लेते हैं, मतलब कि 8-10 जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आके आपस में एक फ्लॉक बना लेते हैं। इन फ्लॉक्यूलेटेड स्टेट द सेकेंडरी इंटरेक्शन, मतलब वैंडरवॉल फोर्स जो कि वीक इंटरेक्शन होता है, वो ड्रॉपलेट्स को एक डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखता है। जो एप्लीकेशन होती है शेयरिंग स्ट्रेस की, जो हमारी इमल्शन की फॉर्मुलेशन होती है उसमें, कि जब हम उसे शेक करते हैं तो ये रिडिस्पर्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसा कि क्रीमिंग के केस में होता है, क्रैकिंग में ऐसा नहीं होता, वो सेम रहता है। नेक्स्ट है फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन का मतलब है चेंज कि एक फेज है, जैसे हमारा इमल्शन है ओ बाई डब्ल्यू इमल्शन, और वो चेंज हो जाए डब्ल्यू बाई ओ इमल्शन में, तो हम उसे बोलेंगे फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू अदर टाइप, दैट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्शन चेंजेस इनटू वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाइस वर्सा, तो हम उसे बोलते हैं फेज़ इन्वर्जन। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से फेज़ इन्वर्जन होता है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस द फेज़ इन्वर्जन टेक्स प्लेस। पहला है बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा बाय चेंजिंग द फेज़ वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम हम चेंज करते हैं, जैसे डिस्पर्जन जो फेज़ है वो डिस्पर्जन मीडियम से थोड़ा कम अमाउंट में होना चाहिए, तो हम डिस्पर्स्ड फेज़ को अगर बढ़ाते जाएंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, जिससे वो डिस्पर्जन मीडियम बन जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज करके। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, अपोजिट टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं हम। तो द फेज इन्वर्जन कैन बी मिनिमाइज बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बिटवीन 30-60%, स्टोरिंग द इमल्शन इन कूल प्लेस एंड यूजिंग अ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। जो फेज़ इन्वर्जन है हम उसे रोक सकते हैं, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज़ है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो ग्लोब्यूल्स हैं, उसकी कंसंट्रेशन 30-60% के बीच में हमें रखनी पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा रखते हैं तो ये फेज़ इन्वर्जन हो जाएगा, और जो हमारा इमल्शन है उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, कूल प्लेस पे, और इमल्सिफाइंग एजेंट भी सेम टाइप का हमें डालना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये गुड इमल्शन है, जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, जो ग्लोब्यूल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कोएलेसेंस में क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स, बड़े साइज़ के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं साथ में आके। फ्लॉक्यूलेशन में भी ऐसे ही होता है, और क्रीमिंग में क्या होता है, ये अपवर्ड सरफेस पे जाके सेटल हो जाते हैं, और ब्रेकिंग या फिर हम इसे क्रैकिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें एक अलग लेयर्स ही फॉर्म कर लेते हैं जो इमल्शंस होते हैं, और फेज़ इन्वर्जन में फेज़ ही अलग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।